स्टोरी की शुरुआत में हमें रोनकैना फैमिली के बारे में बताया जाता है, जो कि स्वॉर्ड मास्टर बनाने के लिए बहुत ही फेमस होती है और पूरे आधी दुनिया पर कब्जा करती है, रूल करती है। रोनकैना फैमिली में जो भी बॉर्न होता है उसके पास एक एक्सेप्शनल पावर होता है, एक्सेप्शनल टैलेंट होता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड मास्टर बन सकता है। अब रोनकैना फैमिली पूरे वर्ल्ड में बैटल, लूटपाट और रूल करने के लिए मशहूर होती है। इसी क्लैन में जिन बॉर्न होता है, जो कि इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट होता है। वो रोनकैना फैमिली का यंगेस्ट सन होता है, जिनने क्लेन के सिलेक्शन सेरेमनी में पैट्रिच की स्वॉर्ड को सिलेक्ट किया होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जिन आगे चल के पैट्रिच बनेगा, क्लेन का हेड बनेगा। जिन सोचता था कि उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस और ग्लोरी होगी, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई भी स्वॉर्ड का टैलेंट नहीं था, जिसकी वजह से उसके टैलेंट में उसे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैश की तरह माना जाता था, और उसी वजह से उसके ब्रदर्स भी उसे बुली किया करते थे और उसे खूब मारा पीटा करते थे। अब जिन अपने फैमिली के लिए एक प्राउड बनना चाहता था, जिसकी वजह से वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस किया करता था, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसे एक दिन फिर उसी के फैमिली से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वो अपने मास्टर से मिला, जिसने उसे मैजिक यूज़ करना सिखाया, जो कि जिन के क्लेन में फॉरबिडन था। अब 3 साल के बाद जब जिन मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसके पास एक शैडो आ जाती है और वो उन्हीं शैडो के अंदर चला जाता है, जिसके बाद जिन फिर सोल्डरन से मिलता है, जो कि शैडो गॉड होता है। अब वो जिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो जिन को स्पिरिचुअल पावर देगा और बहुत सारे टाइप के कर्ज से भी जिनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसके बाद सोल्डरन जिन को बताता है कि उसे कर्ज किया गया है और उसके बॉडी पर एक ब्लड कर्ज है, जो कि उसके स्वॉर्ड टैलेंट को दबाने, उसको सील करने के लिए है, और वो शायद इसी वजह से जिन के पास आया है। जिसके बाद जिन जब सोल्डरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है, तब सोल्डरन उस कर्ज को तोड़ देता है और जिन से उस पर नज़र रखने के लिए कह के वहाँ से चला जाता है। अब कर्ज के टूट जाने के बाद जिन स्वॉर्ड लेकर प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, जहाँ प्रैक्टिस करते हुए जिन सोचता है कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी स्वॉर्ड को कभी हाथ लगाने के लिए, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो स्वॉर्ड जो है वो मेरे ही हाथ है, मैं बिना स्वॉर्ड के हाथ सिर्फ अपने हाथ को स्विंग कर रहा हूँ। अब रोनकैना फैमिली का ट्रस्ट नहीं रहा, अगर मैं इस स्वॉर्ड में थोड़ी सी मैजिक ऐड कर दूँ तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। पर तभी हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं, जिसके बाद हमें जिन को देखते हैं जो कि बहुत ही घायल होता है, जिसके बाद फिर जिन सोचता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, अभी तो मैंने स्वॉर्ड उठाया ही था, मास्टर सोल्डरन आखिर कोई है यहाँ पर जो मुझे बचा सकता है, मुझे बचाओ, क्यों आखिर क्यों मुझे ये सेकंड चांस मिला, अगर मैं उस सेकंड चांस का यूज़ ही नहीं कर सकता, मैं ना ही मैजिक यूज़ कर सकता हूँ और ना ही सोल्डरन का यूज़ कर सकता, आखिरकार मैं तो मर ही जाऊँगा, क्यों ऐसा क्या करें। जॉन जिन वहीं पे अपना मर जाता है। हाँ ये क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, हाँ क्या चल रहा है यहाँ पे, आई वॉज श्योर, मुझे पता था कि मैं मर चुका हूँ, पर ये क्या हो रहा है, हाँ गिली ये क्या कर रही है यहाँ पर, एंड वो स्वॉर्ड तो बार्डेसिया है, हाँ क्या ये सिलेक्शन सेरेमनी है, क्या मैं फास्ट में आ चुका हूँ, जब मैं एक छोटा सा बच्चा था 1 साल का, तब मैं पास्ट में आ चुका हूँ, हाँ मैंने अपने पास्ट लाइफ में ये स्वॉर्ड एक कोइंसिडेंस से ली थी, पर इस बार मैं इसे अपने आप चूज़ करूँगा, अपने लिए चूज़ करूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो सेकेंड एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड हाँ इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।